नमस्कार, फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूँ। नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। और फर्स्ट एड की शुरुआत करते हैं आज फिर से बैंकों से, और मेरे सहयोगी भी रहते हैं। कल मुंबई में थे आरबीआई गवर्नर के साथ एक खास मीटिंग में, इंटरव्यू में क्या चिंताएं थी और थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक नजर आए वो FY17 की शुरुआत में? ऑप्टिमिस्टिक तो थे, लेकिन आई थिंक अभी भी जो सबसे बड़ी कंसर्न है उनके मन में वो यही है, जो एक सवाल अगर आपने इंटरव्यू भी देखा हो और मैंने उनसे ऑफ रिकॉर्ड भी बात की इन पे, कि अभी भी ये जो पूरा पेन है वो बैंक से निकला नहीं है। और जो उनके जवाब में ही एक हकीकत छुपी हुई थी वो ये थे कि मार्च में इनफैक्ट जो बैंक्स के रिजल्ट आएंगे उसमें और डिस्क्लोजर्स देखने मिलेंगे और एनपीए के राइट ऑफ्स देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में हो सकता है कि ये पेन धीरे धीरे कम हो। यानी Q4 सबसे अच्छी अगर आप देखें और वीक होगा दिसंबर से, वही उन्होंने इंडिकेशन। तो इस बात पर आप देखें अपना कमिटमेंट वास मत बना लीजिएगा कि अगर मैं की बात समझूं जो उन्होंने कल इंटरव्यू लिया कि हम फरवरी या फिर जनवरी के बेस को वॉलेट नहीं कर सकते। और एक जो इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने कही कि क्यूई, आपको याद होगा कि जेनेट एलन की जो लेटेस्ट कमेंट्री थी उसके बाद वॉल स्ट्रीट दलाल स्ट्रीट सब जगह ये बस था कि इस साल के आखिर तक हो सकता है फिर से क्वांटिटेटिव ईजिंग करनी पड़े यूएस को। उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा कि आप क्वांटिटेटिव ईजिंग हमेशा के लिए जारी रख सकते हैं निरंतर, लेकिन उसका असर रियल इकोनॉमी पर हो नहीं रहा है, बस मार्केट भागते हैं। और जैसे ही आप रेट बढ़ाना शुरू करते हैं आपका डॉलर और स्ट्रेंथन हो जाता है। जब तक यूएस इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा कि डॉलर मजबूत होने वाला है और उसके साथ उन्हें जीना पड़ेगा, तब तक ये सिचुएशन सुधरेगी। यानी क्यूई को एक तरीके से उन्होंने रियल इकोनॉमी में नकार ही दिया। बाजार के हाथ में खिलौना है खुश होने के लिए और रोने के लिए। खैर, इस बीच आप देखिए आपके स्क्रीन पे नेगेटिव एक्शन, लगभग 13 अंकों पर निफ्टी कारोबार कर रहा है, लगभग 109 अंकों पर सेंसेक्स और मारुति का देखें, पैकफुट पे 18 रुपए नीचे, रिलायंस करीब 4.25 रुपए नीचे 1034 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, केयर इंडिया लगभग 3 रुपए ऊपर 149.80, कल क्रूड में जोरदार पुल बैक। और इस बीच फॉरेक्स मार्केट में आप देखिए करीब 66.65 के मुकाबले लगभग 66.72 करीब 7 पैसे की कमजोरी के साथ भारतीय रुपये खुला है। और आप देखिए कि पिछले 3 सेशन में हम 66.10 से लेकर 66.72 की ट्रेजेक्टरी में आ गए हैं। तो हमने बीते 3 सेशंस में खासा वीकनेस देखी है भारतीय रुपए में। और इस बीच आपको ये बता दूं कि आज ओपनिंग बेल जो है BSE पर आज कुछ बदले हालात में होगी, बदले अगर आप देखें विजुअल्स के साथ होगी नीता अंबानी, और साथ ही साथ आज रिकी पॉन्टिंग होंगे आज ओपनिंग बेल पे, आज वो घंटी बजाने के लिए जिसके मुंबई इंडियंस की टीम है। जी हां, मुंबई इंडियंस की टीम, यानी IPL का जादू अब दिखा रहा है। अंचल के पास चलते हैं अब सीधे न्यूज रूम में। गुड मॉर्निंग अंचल, बताइए आज ब्रोकरेज हाउसेस के पास या फिर उनकी रिकमेंडेशन किन किन स्टॉक्स पे हैं? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र भैया, आप अभी थोड़ी देर पहले बैंकिंग सेक्टर के नतीजों की बात कर रहे थे, क्रेडिट स्विज ने भी एक कंसाइज रिपोर्ट जारी की है रिजल्ट्स पे, बेसिकली सीमेंट सेक्टर के रिजल्ट्स पे उनका क्या एस्टिमेट है। साफ तौर पे Q4 पे उनका मानना है रिजल्ट्स स्लगिश नोट पे ही रहेंगे, दबाव दिखने को मिलेगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट के घाटे में रहने का अनुमान है। वहीं ग्रासिम के नतीजे जरूर बेहतर रह सकते हैं, लेकिन हाँ उसके अलावा अल्ट्राटेक फ्लैटिश नतीजों का रुझान दिखा सकता है। ECC अंबुजा से के मुनाफे पर भी दबाव रह सकता है, यानी कहीं ना कहीं जो अक्रॉस द बोर्ड है सिवाय ग्रासिम को छोड़ के ज़्यादा बुलिश नहीं है क्रेडिट स्विज इस समय नतीजों को लेकर सीमेंट सेक्टर के। इसके अलावा करेंसी एज एन रुपी की मूवमेंट पे CLSA ने एक पूरी रिपोर्ट जारी की है, उनका मानना है कि रुपए में गिरावट से FII का आउटफ्लो बढ़ सकता है और ये थोड़ी चिंताजनक ज़रूर है। लेकिन हाँ, वहीं दूसरी ओर रुपी में गिरावट से बैंक कैपिटल गुड्स और मेटल शेयरों को जहाँ नुकसान होगा, वहीं दूसरी ओर बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, डॉक्टर रेड्डी और ग्लेनमार्क फार्मा ये नुकसान वाली कंपनियां होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर रुपी यहां से और स्लाइड करता है तो उनका मानना निवेशकों को इन कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए और जितना हो सके उनसे दूर रहे। वहीं दूसरी ओर जो रेनमिंबी है, जो चाइना की एक और करेंसी है, उस पर भी उन्होंने अपना CLSA ने वक्तव्य रखा है, उनका मानना है टाटा मोटर्स को और रेनमिंबी के गिरने से नुकसान होगा। वहीं जितने भी कमोडिटी कंपनियां हैं वो भी नुकसान में रहेंगी। JP Morgan ने येस बैंक के ऊपर एक पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 800 से बढ़ा के 925 किया है। रिटेल सेगमेंट में लगातार हम एक ग्रोथ देख रहे हैं येस बैंक की, 2 से 3 क्वार्टर्स में एक लगातार सस्टेन्ड ग्रोथ दिखाई है, उनका मानना है Q4 में भी ये जारी रहती हुई दिखेगी। वहीं दूसरे क्रेडिट स्विज ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, न्यूट्रल रेटिंग दे रहे हैं, 930 का लक्ष्य है। जहां एक तरफ एसेट क्वालिटी को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, वहीं दूसरी ओर क्रेडिट स्विज का मानना जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है कंपनी का वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, तो उन दोनों ही चीज़ों का कितना इंपैक्ट होता है उस पर नजर रहेगी। और लास्टली मैक्वेरी की शोभा के ऊपर एक नई रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट दिया 380 का।
की ट्रिगर उनके हिसाब से रहेगा जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, कहीं ना कहीं वापस से कमर्शियल रियल एस्टेट में पिकअप देखने को मिल रहा है और शोभा को उसका काफी बेनिफिट आता हुआ दिखेगा। और वहीं दूसरी ओर ऑलरेडी एक अच्छा पाइपलाइन है वो इनकैश करती हुई दिखेगी आने वाले 1 से 2 सालों में। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही नजर आजकल रखनी चाहिए पनामा लीक्स पर भी, क्योंकि रोज 1-2 नई कंपनी के नाम आ जाते हैं, लिस्टेड कंपनी के नाम आ जाते हैं। आज वीडियो कॉन का नाम है, आज देखेंगे वीडियो कॉन में क्या होता है, लेकिन हाँ इनका नाम जरूर आया है। अभी तो खैर चलिए शुरुआती टिक्स है, लेकिन एक बार खुलने के बाद देखना होगा कि क्या प्रेशर में ये काउंटर देख